आज भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 200 साल हो गए जब बॉम्बे सर्कल स्थापित हुआ था, और इस कड़ी के अंदर, इस श्रृंखला के अंदर हम कुछ इंटरव्यू कर रहे हैं वीर नारियों का। इस श्रृंखला के अंदर आज हमारे साथ में श्रीमती नायक अजीत सिंह हैं, जो कि 106 इंजीनियर रेजिमेंट के हैं, और जो 1977 के अंदर वीर गति प्राप्त हुए थे। ये एक चांस की बात है कि आज हमारे साथ में कमान अधिकारी भी हैं, जो उस समय कमान अधिकारी थे जब नायक अजीत सिंह की को वीर गति प्राप्त हुई। कर्नल चौहान उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण प्रताप सिंह चौहान उस समय कमान कर रहे थे, जो आज भूतपूर्व नागरिक हैं और मेज जनरल से पदवी से रिटायर हुए हैं। सर, आप 1977 के अंदर 106 एंजियल रेजिमेंट के कमान संभाल रखी थी आपने। उस समय आप एक ऑफ टास्क के ऊपर व्यस्त थे, जो कि कारगिल में हो रहा था, और जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, हम जानना चाहेंगे कि उसके बारे में कुछ अगर आप रोशनी डाल सकें। हाँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज मैं इस स्थिति में हूँ कि श्रीमती अजीत सिंह यहाँ पर हैं, और नायक अजीत सिंह की वीर गति होने की श्रद्धांजलि हुई है हमारे रेजिमेंट, मतलब 106 में। उस समय मैं कमांड कर रहा था 106 को, और हम 3 इन्फेंट्री डिवीजन के पूरे क्षेत्र में हमारी रेजिमेंट थी। मेरे को GOC ने बुलाया कि भाई कारगिल के नीचे एक जगह है बटालिक, बटालिक से एक घाटी जाती है सिंध नदी में, बड़ी कड़ी घाटी है वो, कोई स्थान नहीं है बाएं दाएं जाने का, और हमारी तोपें नहीं जा सकती ऊपर, और चुली चांद तक हमने वो सड़क बना ली है। तो मैंने रेकी करके देखा, सीधी चट्टानें ऊपर सिंध नदी से जा रही हैं। तो परंतु मैंने टास्क यानी अभियान को मान लिया कि हम कर डालेंगे, परंतु मुझे क्योंकि मेरा अनुभव बहुत है पहाड़ों की लड़ाई में जी, तो मैंने देखा कि यहाँ जब तक स्पेशल फोर्स के कोई लोग नहीं आएंगे, कि वहाँ चट्टानों को उड़ाने के लिए बारूद ऊपर चढ़ के रस्सियों से, और उनको बारूद को उड़ा करके और जगह बनाए तभी हमारे बुलडोजर आगे बढ़ सकते हैं, सड़क बन सकती है जी। तो परंतु मैंने कहा चलो करेंगे किसी तरह जी। तो मैंने यूनिट को जमा किया, यूनिट फील करनी थी जी। मैंने कहा देखो इस प्रकार से हमने चलना है और काम करना है, और इस सड़क को जरूर बनाना है, ये युद्ध के लिए बड़ी जरूरी है जी। तो परंतु बड़ा कठिन है, कौन करेगा, जो कि चट्टान पर चढ़ेगा और बारूद लगाएगा, मेरे को वो चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। तो नायक अजीत सिंह लड़का था, वो खड़ा हो गया, साहब मैं करूंगा जी। और मैं बड़ा अच्छा दिलेर लड़का है, तो अजीत सिंह को मैंने बोला ठीक है वो करेगा जी। और मैं उस दिन जब हमने अभियान शुरू किया, मैं श्रीनगर जा रहा था, तो मैंने स्थान पर अजीत सिंह को लेकर के मैं गया दिखाने के लिए, और मेरे साथ मराठा के CO, जो कि मराठा पलटन हमको सुरक्षा दे रही थी जी, उसके CO को भी ले गया था, मेरे पास एक फोटो है उनकी जी, जी। और अजीत सिंह को दिखाया, और चट्टान पूरी मैं तो देखने लगा कि कैसे करेगा लड़का जी। और मुझे जाना था श्रीनगर किसी काम के लिए, तो मैं जब दूसरे दिन वापस आया तो मुझे पता चला कि अजीत सिंह वीरगति हो गया जी, क्योंकि वो चट्टान चढ़ रहा था, कई बारूद लगाए उसने जी, और आखिर में उसका बारूद पहले ही फूट गया और वो नष्ट हो गया उसका। तो इसको मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं सीधा GOC के पास गया कि इस प्रकार से, परंतु उससे क्या हुआ कि बुलडोजर हमने चलने लग गए जी, और सफा हो गया रास्ता जी, परंतु वीर गति पिछले पानी जी। तो मैंने GOC को बोला ये तो बड़ी, इसको फिर मैं शौर्य चक्र के लिए करूँगा जी, इसको हम रिकमेंड करें जी। तो मैंने शौर्य चक्र के लिए लिखा था जी, परंतु कीर्ति चक्र मिला, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है जी, क्योंकि इस प्रकार का अद्वितीय इंजीनियर को करना काम जी, मेरे ख्याल में कोई उदाहरण नहीं है जी, ये कि चट्टान को चढ़ करके इंजीनियर ने बारूद उड़ा करके कोई सड़क बनाई हो आज तक जी, हमारे कॉम्बैट इंजीनियर में ये प्रशिक्षण नहीं होता जी, जी। तो मैं बड़ी खुशी है, और कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इनके पास हूँ यहाँ पे आज जी, और वो पुराने स्मरण कर रहा हूँ इतने 42 साल बाद। हाँ, क्या समय लग गया जी, ये आपकी जो स्मरण शक्ति है 42 साल के बाद भी हाँ, उस घटना को पुराना करना। ओ, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि आप बड़ा भावुक है, बड़ा भावुक समय है, और आपने उनको
कम से कम जो उनका जिन्होंने बहादुरी का काम किया उसके लिए जो जोश था उनका, जो उनका जुनून था अपनी तरफ से, उनके अपनी तरफ से मैंने कलम से पूरा किया और भारत सरकार ने उनको कीर्ति चक्र दिया। कीर्ति चक्र एक बहुत बहुत बड़ी बड़ा पुरस्कार होता है और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो धर्म बनता है हमारा, मेरा 1985 के अंदर मेजर थापा 106 के थे जाना वहाँ हुआ और करनी के अंदर छोटा सा एक स्मारक बना रखा है उनका, वहाँ हमने उनके उनको श्रद्धांजलि दी फूलमाला दे करके। और हमें आज बड़ी प्रसन्नता है कि श्रीमती नायक अजीत सिंह हमारे समक्ष हैं। मैं श्रीमती अजीत सिंह को अजीत वापस नहीं दे सकता, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी उनके लिए प्रशंसा है वो कभी कम नहीं हुई और ख़ास तौर से इस यूनिट ने 106 यूनिट में उनको हमेशा याद किया है। और उनके लिए देखिए यहाँ पर उन्होंने एक यहाँ पर एक फोटो बना रखी है, एक मूर्ति बनाकर रखी हुई है जो कि हेरिटेज हॉल में लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। ये बताइए आप मेरे को कि ये दुर्घटना तो बहुत बुरी हुई, इसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि इतने समय आप बहुत कष्ट में रही होंगी। आपके 3 लड़कियाँ एक लड़के थे तो उनकी बाद में देखभाल कैसे हुई, पढ़ाई कैसे हुई और अभी कहाँ पर हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सब घटना एक घटना बाकी थोड़ा जहा मेहनत कर लग पाए जी, अपना लोगों का काम करना जी, करके लियाना तो बच्चों खिलाना, बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ाना जी, पढ़ा के फिर थोड़ी जी हो गए जी, फिर थोड़ी जी मदद मिलने लग पे जी, फिर सब फिर जो घर के कमरे आ वो ऐदे रह गए, फिर थोड़ा थोड़ा इन्होंने बच्चों की जिंदगी बारे सोचा जी, वो मेहनत करके इन्होंने पढ़ाया जी, पढ़ा के थोड़ा जहा तैयार किया, गांह पारिया, फिर गांह इन्होंने शादी करनी सी, वो ध्यान ऐदे करी सब होर को काम करने वाले सो बच्चा सी एक ही लड़का सी जी, एक लड़का सी वो बहुत छोटा सी जो ये होया इन्ना सी जी, तुम देखो इन्ने के बच्चे ने किन्ना बड़ा होना कि होना, बहुत मेहनत की आपने, मेहनत कर करके जी, लोगों की मेहनत कर करके उन्हें बच्चों को थोड़ा जहा कर। ये बताइए आप कि भारत सरकार जो ऐसे वीरगति को प्राप्त होते हैं जो कीर्ति चक्र देते हैं उनको कुछ अनुदान मिलता है, 9000 रुपया प्रति महीना मिलता है, वो आपको प्राप्त हुआ? नहीं साहब, पहला नहीं मिला, हूँ मिल रहा है। अच्छा, पहले नहीं मिला, हूँ मिला, हूँ मिलता है। अच्छा, हूँ मिलता है, 6 महीने पीछे अभी इकट्ठा पैसा नहीं देना है। अच्छा ठीक है। दूसरा ये बताइए कि कुछ जो रेल यात्रा करते हैं उसके अंदर आपके लिए और एक आपके साथ साथ में सहायक या सहायिका उसके लिए आपको पास मिलता है? नहीं साहब, नहीं मिलता, नहीं अभी भी नहीं मिलता। नहीं साहब। अच्छा, तीसरा हवाई जहाज में मिलता है आप गए कभी? नहीं मैं गई साहब, आप गए नहीं हवाई जहाज में? मैं किया सगा जब आई हुआ लद्दाख में, हाँ मैं कहा मैं हवाई जहाज में चले जाके जी उन्होंने जगह दिखा लो ना मैंने उन्होंने का, हाँ दिखा लो भी कितना है, हाँ बोलते नहीं भाई ये जे तेन लै गए तो इतने जा नहीं होना तो उधर ही मुक जाना तैं भी, मैं कहा चल जी वो मुक गया मैं भी मुक जाऊंगी, कहता बच्चे कौन सवाल। ये किसने बोला आपको? इधर पुणे, हैं पुणे च, पुणे वो बॉम्बे सेंटर में, हाँ जी सेंटर में बोला, हाँ जी वो कहते तू जा नहीं सकती। अच्छा, आपका जो प्रांत है पंजाब, पंजाब के अंदर भी सरकार जो है या तो जमीन देती है या पूरा एक बार का पैसा अनुदान देती है आपको? देती है, पैसा भी देती है, जमीन भी देती है, जिन्हें नहीं पैसा जमीन में उन्हें पैसा देती है। हाँ सब मेरे को नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला ना जमीन भी, कोशिश की थी उसी, हाँ करी कोशिश। अच्छा, ना पैसा मिला ना जमीन मिली। उसके कागजात हैं आपके पास में जो आपने लिखा उनको? जमीन चिट्ठी पत्र की थी उसी, चिट्ठियाँ उन्होंने लिखिया, हाँ है कहीं भैया हैं। बड़े दुख की बात है कि जो मतलब डिक्लेयर किया हुआ है, जो कहा हुआ है सरकारों ने, वो आपको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अच्छा है कम से कम आपको अनुदान जो है वो खास अनुदान तो वही है 9000 रुपये वाला, वो मिल रहा है। अब आप ये बताइए हमको कि आप कुछ कहना चाहती हैं हमारे जरिए से? नहीं
ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭ ਇਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਉੱਧਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਸਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਟ ਬਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੁੰਡਾ ਆ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਮੈਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਯੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣੀ ਥੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਯੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਕੀਆ ਹੈ ਵੋ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਛ ਯਾ ਤੋ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਜਾਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਯੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਕੋ ਹਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਨਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੜਕੋਂ ਪੇ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਹੀਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਸੜਕ ਬਣਤਾ ਨਾਮ ਬਣਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਯੇ ਹਮਕੋ ਟੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਜਹਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਨਕਾ ਜੋ ਗਾਂਵ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਅਗਰ ਬਣ ਜਾਏ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਏ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਹਮ ਲੋਗ ਦੇ ਹਮ ਲੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਸਮੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਂਗੇ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਔਰ ਜੋ ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆ ਹੈ ਉਸਕੋ ਹਮ ਆਗੇ ਪਹੁੰਚਾਏਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਕੋ ਲੰਬੀ ਈਸ਼ਵਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਯੇ ਹਮਾਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬੋਂਬੇ ਸਰਕਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੋ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਫੌਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਧੰਨਵਾਦ